सांगली जिले के पलुस तहसील के अमनापुरा गांव में अमरापुर धनगांव रोड के नाले पर बने पुल के नीचे पड़े एक प्लास्टिक बोरी में से मगरमच्छ की पूंछ दिखाई दे रही थी, लेकिन काफी देर तक कुछ हलचल नहीं होने के बाद देखने वालों ने यह अंदाजा लगाया कि किसी अज्ञात द्वारा मगरमच्छ को मारकर फेंक दिया गया है। तब इस मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई। वन विभाग के अधिकारी प्रकाश पाटिल घटनास्थल पर कर्मचारी के साथ पहुंच गए और उन्होंने सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर पंचनामा कर शव को कब्जे में ले लिया और इसे पलुस के पशु वैद्यक दवाखाने में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहां पर पशु वैद्यक अधिकारी डॉक्टर सचिन रहाणे ने उसका पोस्टमार्टम कर निष्कर्ष बताया कि मगरमच्छ के सिर पर जोर की चोट लगने से मौत होने का कारण बताया तथा यह मगरमच्छ पिछले 3 दिन से भूखा होने की बात भी बताई है। यह मगरमच्छ नर जाति का था। पोस्टमार्टम के बाद वन अधिकारियों ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर उसका अंतिम संस्कार कर लिया और इस मगरमच्छ की हत्या करने वालों की जांच शुरू कर दी है। वन अधिकारी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमनापुर बाजूला गाँव जो है अंगुड़ेवाड़ी, या ठिकाणी जो मेन रस्त्याचा जो पुल आहे त्या पुलाच्या खाली एक मृत अवस्थेमध्ये मगर आढळून आली आणि ती मी आणि आमच्या टीमने त्याच्यावरती पूर्णपणे सविस्तर कारवाई केलेली आहे। मगर जी आहे ती 4 फूट लांब आणि 6-7 इंचाची अशी बोलायची आहे, तर साधारण 1 ते 1.5 वर्षाची मगर आहे। तर ही मगर मारणे हा गुन्हा आहे आणि लोकांना माझे सांगणे आहे की मगर आपण मारू नये, मगरीपासून आपला बचाव करणे, आपली सुरक्षा करणे हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे। मगर मारणे हा उपाय नाही आहे। आणि आता ही जी मगर मारलेली आहे या मगरीच्या संदर्भात जो कोणी आरोपी असेल त्याची आम्ही कसून चौकशी करू आणि पुन्हा अशी या आमच्या भागामध्ये मगरीची अशी हकीकत होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेऊ आणि आरोपीला आम्ही तपास करून शोधून काढून त्याच्यावरती कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू। कृष्णा रिवर के करीब आजकल बहुत सारे क्रोकोडाइल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ गए। ऐसे ही एक मामला अभी सामने आया जिसमें एक क्रोकोडाइल के बच्चे की मौत हो चुकी है। क्रोकोडाइल जो पानी में रहते हैं, अगर नदी का पानी कम हुआ और वहाँ पे आदमियों का आना जाना बढ़ गया और हस्तक्षेप बढ़ गया तो ये पानी के बाहर आते हैं और खेत में भी चले आते हैं। अगर ऐसे ही क्रोकोडाइल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ते रहे तो जो आज जो कुछ बचे कुचे क्रोकोडाइल कृष्णा रिवर में है वो भी ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए उनको मारने के बजाय क्रोकोडाइल से कैसे बचा जाए इसका ठीक से सभी लोगों में मार्गदर्शन होना जरूरी है। और वैसे ही अगर कोई क्रोकोडाइल या कोई भी नदी का प्राणी अगर बाहर आते दिखता है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए और उनको अच्छे से रिहैबिलिटेट करना चाहिए ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे और किसी भी ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट में किसी एनिमल की जान ना जाए। ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्थानीय लोगों ने अच्छे से काम करके जो बचे कुचे नदी में जो प्राणी है क्रोकोडाइल है और बाकी जो प्राणी है पक्षी उनका बचाव करना चाहिए। संवाददाता अशोक पवार, सांगली, आपका न्यूज़।